खेल से इंजीनियर अब्दुल रशीद को लाया गया था, उनकी हलफ बर्दारी हो चुकी है। इस वक्त की बेहद अहम खबर बारामुल्ला के लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर बता रहे हैं, जहां इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी यानी कि उनका शपथ ग्रहण ओथ सेरेमनी स्वेरिंग सेरेमनी हो चुकी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बारामुल्ला के लोगों की नुमाइंदगी अब वो बाजबता तौर पर संसद भवन में कर सकेंगे, उनकी आवाज को उठा सकेंगे। हालांकि उससे पहले एक प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ेगा, हर बार अंतरिम जमानत के लिए उन्हें याचिका लगानी पड़ेगी, और अगर वो किसी कारणवश मौजूद नहीं रहते हैं तो स्पीकर को उन्हें इस बात की जानकारी देनी होगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने एक भारी जीत बारामुल्ला से दर्ज की थी और अब उनकी हलफ बर्दारी हो चुकी है। इंजीनियर रशीद ने बतौर सांसद शपथ ग्रहण कर ली है। इस दौरान उनके बच्चे उनके साथ मौजूद थे, असरार अबरार, जिन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए जमकर एक कैंपेन चलाया बारामुल्ला में, नॉर्थ कश्मीर की महत्वपूर्ण सीट जहां से उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की है। आज उनकी हलफ बर्दारी हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इंजीनियर रशीद ने शपथ ग्रहण कर ली है, अब वो बाजबता तौर पर सांसद हो गए हैं बारामुल्ला सीट से। अब संसद भवन में अपनी आवाज वो बुलंद कर सकेंगे, बारामुल्ला की आवाम के मुद्दों को उठा सकेंगे जिसके दम पर वो चुनकर आए हैं। 2,41,000 से ज्यादा के मतों से जीत उन्होंने दर्ज की है। सज्जाद गनी लोन को हराया है, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, बिना संसाधनों के बिना पैसे के चुनावी कैंपेन उनके बच्चों ने किया और एक बड़ी जीत दर्ज करके इंजीनियर रशीद सांसद बने हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इंजीनियर रशीद की हलफ बर्दारी हो चुकी है और इससे पहले हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई, पल पल की अपडेट। सुबह 8 बजे से ही न्यूज 18 जेके लाच आपको दिखा रहा था कि किस तरह से तिहाड़ जेल से उनका काफिला रवाना हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच, फिर उन्हें संसद भवन पहुंचाया गया जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच ही उनके परिवार वाले भी अंदर मौजूद रहे। और अब खबर निकल कर आ रही है पुख्ता सूत्रों के हवाले से, जहां इंजीनियर अब्दुल रशीद ने शपथ ले ली है। खुर्रम मौजूद हैं, खुर्रम शपथ ले ली है इंजीनियर रशीद ने? ये अंदर से खबर आई है हमारे पास और इंजीनियर रशीद ने बाजाब्ता तौर पर शपथ ले ली है। उनसे पहले अमृतपाल जो हैं, जो पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उनसे पहले हलफ दिया, उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद अब्दुल रशीद ने वहां पर शपथ ली। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके दोनों बेटे और उनकी बेटी, वो सभी लोग मौजूद हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, तो ये पूरे तौर से कंफर्म खबर है और उन्होंने शपथ ले ली है। तो कहना चाहिए कि एक तरीके से जो कानूनी लड़ाई की इंजीनियर रशीद ने जो शुरुआत की थी और उन्होंने लगातार जो है गुहार लगाई थी कि उन्हें शपथ लेने दी जाए, उन्हें हलफ लेने दिया जाए, तो आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। अब वो बारामुल्ला के लोगों के नुमाइंदे हैं, उनको तमाम सहूलियात और तमाम चीजें मिलेंगी। तो ये एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की सियासत में। एक जिस तरीके से उन्होंने इंतखाब जीता था उमर अब्दुल्ला को, जिस तरीके से उन्होंने तकरीबन 2,41,000 से ज्यादा जो है वोट उनसे ज्यादा हासिल किए थे, वो एक बड़ा अहम पहलू था। और कुल मिलाकर कहें तो आज ये बड़ी खबर है। पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो तमाम तरह के इल्जाम थे, उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, वो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं एक तरीके से सेटल हो गई हैं। अब वो एमपी हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। खुर्रम, कोई ये जानकारी भी निकल कर आई है सामने कि किस तरह का रिएक्शन रहा एक लंबे समय के बाद, अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों से मिले और उन बच्चों ने जिन्होंने इंजीनियर रशीद के लिए कैंपेन किया उन्हें देखकर कोई भावुक मूवमेंट या इस तरह की कोई जानकारी निकल कर आई है, क्या रिएक्शन रहा? देखिए, अभी सिर्फ एक लाइन की ये बहुत बड़ी खबर थी, सिर्फ वो सामने आई है। जाहिर सी बात है, जब कोई इतने वक्त से जेल में हो और उनके बेटों की मेहनत हो कंपनी के अंदर, तो कितनी खुशी की बात होती है, एक भावुक लम्हा होता है। और अदालत ने भी इसी जो है जज्बाती पहलू की वजह से उनकी फैमिली के लोगों को इजाजत दी थी कि वो वहां पर मौजूद हो सकते हैं, रह सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा रहे हैं, अबरार हैं, असरार हैं, उनकी बेटी है। तो ये काफी अहम जो है एक जो है मानवीय पहलू होता है, इंसानी पहलू होता है। हालांकि उनसे ये जरूर कहा गया था कि आप हर तरीके से जो है मीडिया से दूर रहेंगे और किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तमाम चीजें अपनी जगह। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हमने उस तरह की तस्वीरें देखी हैं, हम उनको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं ये तमाम
पहलू हमेशा सामने रहे हैं और इंसान ही है, और चाहे वो चाहे उसके ऊपर कोई भी इल्जाम हो और किसी भी तरह का मामला हो, लेकिन वो जज्बात जो है, इंसानी जज्बात होते हैं जो अपने अहले खाना के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनसे वो कहीं बाहर नहीं निकल सकता। तो ये एक जरूर है और इस तरह की तमाम चीजें जो है जरूर हुई होंगी, ये हम कह सकते हैं। और लेकिन अगर इसका एक बड़ा रुख अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की सियासत को, वहां के की जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़ा मैसेज गया है कि किस तरीके से अवाम का फैसला जो है वो सब पर भारी हो सकता है। बिल्कुल खुर्रम, अब इससे इसके आगे कितना समय लगेगा, इसके आगे कितना समय लगेगा कि वो संसद से बाहर आएंगे, क्योंकि 2 ही घंटे की उन्हें हिरासती पेरोल दी गई थी, फिर संसद से बाहर आएंगे, फिर दोबारा उसी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाया जाएगा, तो इसमें कितना समय जाएगा शपथ ग्रहण करने के बाद, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब बाहर आएंगे? देखिए 2 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था अगर थोड़ा बहुत वक्त कम ज्यादा भी होता है तो उतना वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें अहम पहलू ये था कि एनआईए की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि वो